तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं तो उठ चुका हूँ, रेडी भी हो चुका हूँ। तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे, तो अभी नाश्ता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद निकल जाएंगे हम क्लासेस के लिए। तो वहीं पे मिलता हूँ मैं। सुबह सुबह का सीन देख लो गाइस, मतलब इतनी मस्त धूप है ना सुबह सुबह की, मतलब बॉडी पूरा फ्रेश हो जाता है। थोड़ा सा टहल लेता हूँ इधर ही, 5 मिनट थोड़ा सा टहल के। और ये तो अपनी गाड़ी है, इसमें क्लासेस लेंगे भैया हमारे, चाय पी रहे हैं भैया अभी तो। और क्लासेस के बीच में तो मैं तो गाड़ी चलाते वक्त तो वीडियो नहीं बना सकता हूँ मैं, क्योंकि गाड़ी भी तो चलानी है ना, ठोक ना दो कहीं। पहले ही दिन है तो यह है अपनी स्विफ्ट, इसी में सीख रहा हूँ। घर तो पहुंच गए हम क्लासेस के बाद, तो मैं तो घर आ चुका हूँ क्लासेस वगैरह ख़त्म करके। और अच्छा था पहला दिन, तो वही सभी बताए बेसिक्स वगैरह। और वही सुबह डेली 8 बजे से हैं तो ठीक है। तो अभी मैं फ्रेश अप हो जाता हूँ, उसके बाद नाश्ता करने के बाद आपसे बात करता हूँ। तो मम्मी क्या बना रहे हो? बैंगन का भरता देख लो, जिसने भी यहाँ पे नहीं देखा कैसे बनता है इतना बड़ा बैंगन। और ये केला है, कच्चा कच्चा केला है। तो गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ और मम्मी को अभी हॉस्पिटल लेके जाना है, तो देखते हैं। नाश्ता भी हो गया मेरा, अभी निकलता हूँ थोड़ी देर में। चलो चलो जल्दी। दोस्त के घर पे आई है मम्मी, देखते हैं, थोड़ा काम था उनसे, 2 मिनट में आ जाएंगे। मैं भी बाहर वेट कर रहा हूँ, घर जा रहे हैं अभी। घर आ चुके हैं और मम्मी यहाँ पे लंच का प्रिपरेशन कर रही हैं। बैंगन का भरता, चावल भी बनेगा अभी, दाल बन चुका है ऑलरेडी, केले का सब्जी भी। थोड़ी देर में हम भी लंच कर लेंगे। तो गाइस मेरा लंच भी हो गया है और थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इधर उधर बहुत भागा हूँ मैं आज। मम्मी को छोड़ने गया था, हॉस्पिटल भी गया था, तो थोड़ा काम था। तो रेस्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। भाई मैं तो सोच रहा था वॉकिंग जाने के लिए, लेकिन मम्मी के कुछ गेस्ट वगैरह आ गए घर पे, फ्रेंड्स वगैरह, तो मम्मी तो उनके साथ बिजी हैं, मैं इधर ऊपर बैठा हूँ। सोच रहा था अकेले चला जाऊँ वॉकिंग, लेकिन मैं भी ऐसे लेट गया था, मन नहीं कर रहा था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इसलिए देखता हूँ इधर ही कुछ वीडियोस वगैरह देख के ऐसे पड़ा रहता हूँ, देखते हैं, फिर शाम को मिलता हूँ आपको, ठीक है? तो गाइस अभी नीचे जाके थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा लेता हूँ। मम्मी तो बाहर गई हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं घर में हूँ अकेला। और देखता हूँ टीवी वगैरह देख के बैठता हूँ आराम से, तो आपको रात में मिलूँगा। तो आप में से काफ़ी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, सिद्धेश्वर स्वामी जी। ये बीजापुर के रहने वाले थे, संत थे, तो ये पिछले सोमवार इनका निधन हो चुका है और 82 ईयर्स में शायद इनकी डेथ हुई है। तो ये यहाँ पे मतलब इंसान के रूप में भगवान थे, मतलब कोई भी धर्म है, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी धर्म से, इनको बहुत मानते थे यहाँ पे लोग। वो मतलब लाखों में लोग आए थे, मतलब हर जगह से यहाँ पे लोग आए थे, बहुत बहुत भीड़ थी उनको देखने के लिए यहाँ पे, मतलब दूर दूर से लोग आए थे, हर धर्म के लोग आए थे। मतलब उनके प्रवचन वगैरह इतने इतने अच्छे लगते थे लोगों को, और उन्होंने सोसाइटी के लिए इतना हेल्प करा है कि मतलब लोग उनसे बहुत कनेक्टेड हैं। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके प्रवचन हो गए, उनके काम हो गए, उनके जितने भी उन्होंने मदद करी है सोसाइटी की, लोगों की, तो वो तो हमेशा जिंदा ही रहेंगे। तो मैं आई होप कि मतलब उनकी आत्मा को शांति मिले। तो
ऐसे दुनिया में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार, मतलब ऐसे लोग तो लेकिन बहुत कम हैं। तो मैं तो यही दुआ रखता हूँ कि मतलब ऐसे लोग हर जगह पैदा हों। तो और लिटरली यार, मतलब बीजापुर में इतनी भीड़ थी यार, इतनी भीड़ मैंने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। मतलब लिटरली लोग इतने, मतलब उनके जैसे भक्त बोलते हैं ना, भक्त लोग जैसे भगवान के भक्त होते हैं, उनके भक्त हैं यार। मतलब लिटरली भगवान का दर्जा दिया था उन्होंने, मतलब काम ही ऐसे करें यार, मतलब सोसाइटी का इतना हेल्प करा है तो अब लोग प्यार करेंगे। और आप लोगों को तो पता ही है संत लोगों का, वो मतलब उनका जीवन बहुत साधारण, कुछ भी नहीं है, मतलब ज़िंदगी, मतलब जितना सिंपल लाइफ रहता है ना, वो सिंपल लाइफ अपना जीते हैं। कोई धर्म से, कोई जात पात से कुछ नहीं, उनका सिर्फ लोगों की मदद करनी है। तो यही मन में रख के उन्होंने अपना ये अपना काम करा है। जितने भी साल जिए हैं लोगों के लिए, जिए हैं लोगों के लिए, काम करा है और लोगों का प्यार पाया है। तो बस यही तो चाहिए, और मतलब यही तो आइडेंटिफिकेशन अगर आपको मिल गई किसी से, एक भगवान का दर्जा आपको अगर किसी ने दे दिया, तो मतलब आप किस लेवल पे हो। तो खैर ये तो है, लोग आएंगे जाएंगे, उनकी बातें रह जाएंगी, तो ठीक है, हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत अफसोस हुआ मेरे को भी। तो ठीक है, अभी मैं देखता हूँ, थोड़ी देर में डिनर कर लूँगा, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। मैं एक्चुअली कल ही बताने वाला था, मतलब अपनी वीडियो में, सबको तो पता ही है ऑलरेडी, लेकिन अपनी वीडियो में सबके साथ शेयर करना चाहता था कुछ बातें जो मुझे समझ में आती हैं। तो गाइज़ मैं तो डिनर करके आ चुका हूँ, और देखते हैं, आज का दिन तो अच्छा ही गया था, ड्राइविंग क्लासेस भी अच्छी गई थी। कल से दो दो बार करवा रहा हूँ मैं क्लासेस, क्योंकि मेरे को जल्दी ख़त्म करना है। तो देखते हैं, बोला है भैया को मॉर्निंग सेशन एक, आफ्टरनून सेशन एक, तो देखते हैं कल से स्टार्ट होगा। कल ट्राई करता हूँ वीडियोस बनाने की, आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे, क्या क्या भैया बता रहे, बताने का ट्राई करूंगा आपको भी। तो ठीक है, इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो बाय।